क्या होता है जब हम 2 मोल मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन 12th बोर्ड में आता है। अगर हम जेई की एग्जाम की बात करें तो उसमें ऐसे दे देगा अभिक्रिया और किसी जगह मान लो इधर पूछ लेगा कौन सा अभिकर्मक लगेगा। हालांकि जेई एग्जाम में सिर्फ एक ही रिएक्शन से नहीं देता है, उसमें 2-3 रिएक्शन आपस में ऐड करता है, तब क्वेश्चन बनता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल पे ओम स्टडी ऑफिशियल 2.0 पे। आज हम देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। ये देखो 12th बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेई के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और बोर्ड में कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि आप वुड्स अभिक्रिया लिखो, उसके कुछ उदाहरण लिखो, इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे। और जेई के एग्जाम में आपसे इस प्रकार का दे देगा कुछ रिएक्शन और उसमें पूछ देगा यहाँ बताओ अभिकर्मक क्या रहेगा, या फिर उसमें 2-3 अभिक्रिया और ऐड कर देगा, पूछता है ये क्या रहेगा, एक्स वाई जेड पूछ लेगा। खाला इसमें देखो पूछा है जेड की यहाँ क्या रहेगा। ओके, तो हम ये अभिक्रिया चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आखिर अभिक्रिया होती क्या है, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है ये इसी अभिक्रिया से क्या है रिलेटेड है। अगर आपको ये अभिक्रिया नहीं रहेगी पता तो आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम वुड्स अभिक्रिया का पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको अच्छे से समझाता हूँ किसके साथ, रिएक्शन के साथ। ओके, तो चलिए पहले के साथ स्टेटमेंट लिखते हैं कि वुड्स अभिक्रिया होती क्या है। जब एल्किल क्लोराइड, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिकृत करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। ओके, ये क्या होगी हमारी वुड्स अभिक्रिया। अब इसमें आपको कुछ शब्द परेशान कर रहे होंगे, जैसे ये सर एल्किल हैलाइड क्या होता है सर हमें नहीं पता, या फिर सर शुष्क ईथर ये सर क्या करेंगे इसका हम, और सर ये एल्केन क्या होता है भी बता दीजिए ये सर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी क्या रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्केन क्या होता है। ओके, मैंने क्या कहा, जब एल्किल हैलाइड को कैसे लिखते हैं हम, आर एक्स से निरूपित करते हैं, किससे, आर एक्स से। एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये क्या, ये एक माध्यम है, मतलब हम जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं रिएक्शन। ओके, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ये एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ओके, ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये बस माध्यम है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिकृत करते हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ अभिकृत करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन। एल्केन मतलब आर और आर को जोड़ दूं, आर आर, ये क्या हमें प्राप्त हो गया, एल्केन। लेकिन इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं और सोडियम के भी 2 मोल लेते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड 2 मोल आपस में जुड़ जाते हैं और प्लस सोडियम हैलाइड जो है बाहर निकल जाता है 2 मोल। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार से निकलता है कैसे नहीं निकलता है, उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअल में अभिक्रिया ऐसे होती है, जब हम 2 मोल लेते हैं आर एक्स ले लेंगे, हाँ, प्लस क्या करेंगे हम, यहाँ ले लेंगे सोडियम 2 मोल लिया हमने। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्लस एल्किल हैलाइड, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, एल्किल हैलाइड ये मैंने इसको इधर कर दिया। ठीक, किसकी उपस्थिति में करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
शुष्क इतर की उपस्थिति में। ओके, अब सर ये कैसे सोडियम निकला? कुछ देखो, ये सोडियम ये जो है आपस में सब निकल जाएंगी, ये चीज आपस में फरार है, बचे क्या, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ जोड़ा है आर, और आर को मैंने इधर जोड़ा है, फिर क्या होता है एन, एन जो है सोडियम एक से साथ जुड़ता है, ये सोडियम एक से साथ जुड़ता है, तो यहाँ क्या हमें बन जाएगा, अगर हम आर और आर को जोड़ें, आर आर प्लस क्या देखो एक एन ए एक्स बना प्लस एक और एन ए एक्स बना। अब ये दो मोल हमें बना है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सही हो गया, ये क्या होगी हमारी वुड चबकिया, क्या होगी वुड्स रिएक्शन। ओके, अब सर सर ये आर क्या है, एक्स क्या है, ये आप बताइए, क्योंकि इसके बिना सर हमें पता ही नहीं चलेगा ये आर होता क्या है, एक्स क्या है। चलो ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। ओके, ये अब क्या उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए आप ये रिएक्शन, फिर इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। सर ये एल्किल, इसको आर को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह, इसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह। जैसे देखो अभी एल्किल समूह आता किधर से है, आपने इसका नाम सुना होगा, किसका, मेथेन का, ये क्या हो गया, मेथेन हमारा हो गया। ठीक, अब हम जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, इसमें से क्या करें हम, एक ही हाइड्रोजन हम निकाल दिए, तो बचेगा क्या, CH3। और हम ये जानते हैं कि कार्बन चार संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो इसकी एक संयोजकता और बाकी रह जाएगी, कोई न कोई आके मतलब जुड़ेगा। ये क्या हो गया हमारा मेथेन, ये हो गया मेथेन, और इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल समूह, इसको कहेंगे हम मेथिल समूह, क्या कहेंगे इसको, मेथिल समूह। ओके, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं एथेन, C2H6, ये हमारा क्या हो गया, एथेन का सूत्र है। ठीक, ये क्या हमारा एथेन, एथेन। ओके, अब इसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5। अब इधर क्या, एक संयोजकता इसकी रह जाएगी, ये हो गया एथेन, ये हमारा क्या क्या हो गया, एथिल समूह, ये हमारा हो गया एथिल समूह। ओके, ये हमारा हो गया एथिल समूह। ओ सर ये कुछ सेम सेम नहीं लग रहे हैं, सर ये समूह तो समान है, ये मेथिल एथिल ऐसे चलता जाएगा, प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे चलता जाएगा, मतलब जो हमारा एल्किल समूह है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, यौगिक है, मतलब जो आर आर जो होता है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बंधा हुआ क्या यौगिक होता है, मतलब जिसमें अगर हम मतलब देखो, अगर देखो आर एच, आर के साथ का लगा दें एच, तो ये क्या हमारा हो जाएगा एल्केन, ये क्या हो जाएगा एल्केन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकालें तो ये क्या हमारा हो जाएगा एल्किल समूह, ये क्या हो जाएगा एल्किल समूह। और आर की जगह क्या हम रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन का, चार कार्बन का, इसी प्रकार चलता जाएगा, और यही क्या होता है हमारा एल्किल समूह होता है। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये आर क्या होता है, एल्किल समूह। अब बात आती है सर वो पीछे आपने लिखवाया था क्या एक्स, ये क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए, चलिए ये भी जान लेते हैं, इसे आप उतार लीजिए। ओके, ये जो मैंने पीछे लिखवाया था एक्स, ये क्या है सर, ये बताइए, एक्स को हम क्या कहते हैं, हैलोजन, ये क्या है भाई साहब, हैलोजन। और सर हैलोजन क्या होता है, हैलोजन में देखो आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं हैलोजन। इन सभी को निरूपित करने के लिए हम डायरेक्ट किसका उपयोग करते हैं, एक्स का, मतलब अगर हमें आर एक्स लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, एल्किल, एल्किल, और एक्स क्या होता है, हैलोजन, तो मैं इसे हैलाइड लिख सकता हूँ हैलोजन को, ये क्या हो गया हमारा हैलाइड, हैलाइड हो गया। ठीक, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से कोई एग्जांपल ले ले, आर की जगह क्या मैंने ले लिया, CH3, फिर इससे किससे जोड़ दिया, Cl से। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक, अब ये क्या हमारा हो गया, मेथिल, ये क्या हो गया हमारा, क्लोरीन। अब इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या होगा हमारा, मेथिल क्लोराइड,
ये हो जाएगा मिथिल क्लोराइड। ये आपको समझ में आ गया ना, ये होता है आर और एक्स का चीज जो भी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा हम कुछ एग्जांपल देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है किसकी, वुड्स अभिक्रिया की। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखो इसमें हमने क्या ले लिया पहला, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखवाना चाहूँ तो देखो हम क्या ले लेंगे, मेथिल क्लोराइड को ले लेंगे। किसको? मेथिल क्लोराइड को। और जो भी हम लेंगे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल हैलाइड, जो भी, उसका कितना मोल लेंगे? दो मोल लेंगे। ठीक, प्लस किसके साथ? अब क्या करवाएंगे? दो मोल सोडियम के साथ। और ये जरूर याद रखना कि अभिकर्मक क्या होना चाहिए? शुष्क ईथर। अगर शुष्क ईथर होगा तभी किस कौन सी अब क्या होगी? वुड्स अभिक्रिया। ठीक, कौन सी अब क्या होगी? वुड। क्या लेंगे हम? शुष्क ईथर। ये क्या होगा हमारा? शुष्क ईथर। अब इसमें मैंने आपको पीछे बताया था किस प्रकार से होता है। अभी देखो ये जो 2CH3 है ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 CH3, ये चीज हो गया। ठीक, और Na जो होता है Cl के लेकर फरार हो जाएगा, मतलब NaCl हो जाएगा। कितना मोल बन जाएगा? दो मोल। ये क्या हो गया हमारा? उत्पाद। और पीछे जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन बताया था यही था, मेथिल क्लोराइड को जब हम दो मोल सोडियम के साथ अब क्या कराते हैं तो मैंने पूछा था इधर जेड क्या होगा, ये जेड क्या होगा, तो जेड क्या होगा हमारा? शुष्क ईथर होगा, क्योंकि ये अब क्या तभी होती है जब माध्यम क्या होता है हमारा? शुष्क ईथर होता है। ओके, चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है, देखो C2H5 Br। ओके, प्लस क्या ले लिया हमने? सोडियम। अब इधर क्या दे दिया? शुष्क ईथर। ये क्या हो गया? शुष्क ईथर। ओके, शुष्क ईथर। अब बताओ उत्पाद क्या बनेगा? पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा ये बताओ। तो अब आप सोचेंगे सर आपने कहा था कि इधर दो मोल रहना चाहिए, सर शुष्क ईथर है, सर थोड़ी थोड़ी ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया की तरह तो लग रही है, लेकिन ये दो मोल नहीं है, तो क्या करें? देखो अगर तुम्हें दो मोल ना देना लेकिन शुष्क ईथर दिया है तुमको, तो समझ जाना कि ये वुड्स अभिक्रिया ही है। तुम अपने मर्जी से इसमें दो मोल क्या मतलब, मान लो कि ये दो मोल है, तो करेगा क्या? सोडियम इसके साथ फरार हो जाएगा, किसके साथ? Br के साथ। बचा क्या? मान लो दो मोल बचा ये। अब मैंने मन में मान लिया, लेकिन मैं इधर दिखाता हूँ क्या, ये दो मोल है। ठीक, अब मतलब दो मोल Br है, दो मोल सोडियम, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे फरार। फिर अपने को क्या बनेगा उत्पाद? उत्पाद बन जाएगा C2H5 आपस में जाएंगे, जुड़ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, C2H5 connected C2H5 प्लस क्या बन जाएगा? दो मोल सोडियम ब्रोमाइड। इसे हम क्या कहते हैं? दो मोल सोडियम ब्रोमाइड। ये हमारी खत्म होगी क्या? वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? 12th एग्जाम के लिए, जो कि 2024 में आप देने वाले हो, और JEE के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, या बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ओके, तो आज की क्लास को हम यही भी कर दें समाप्त, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। ओके, थैंक यू।